पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 7-3 एंड 1-9 रेस्पेक्टिवली फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी द वैल्यू ऑफ पी इफ -2p लाइज ऑन इट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन मेनी वे एट फर्स्ट वी डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन वी नो दैट द पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला व्हिच इज वाई माइनस वाई वन बाय वाई वन माइनस वाई टू इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स वन माइनस एक्स टू नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वन एंड वाई वन वाई माइनस वाई वन माइनस थ्री बाय वाई वन माइनस वाई टू एक्स माइनस एक्स वन सेवेन सेवेन माइनस वन और वाई प्लस थ्री बाय माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवेन बाय सिक्स वी कैंसिल एंड क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस टू एक्स प्लस फोर्टीन इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री और वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स फोर्टीन माइनस थ्री दैट इज इक्वल्स टू इलेवन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी which is the equation of the line AB. We know that if we represent a equation in the form y equal to mx plus c here m is the slope of the line here you note that the equation of ab written in the formula y equal to mx plus c hence minus 2 is the slope of ab and this is the answer of 1 and there is another formula to determine the slope y1 minus y2 by x1 minus x2 using this formula we can also determine the slope but at first we find this straight line that is why we can use this in the third problem now second the equation of the perpendicular bisector of the line segment of AB that is if A and B are the two points and line segment. That's line equation we have to find. To determine this equation, at first we have to find the
मिड पॉइंट ए बी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू सेवेन प्लस वन बाय टू माइनस थ्री प्लस नाइन बाय टू दैट इज इक्वल्स टू सेवेन प्लस वन एट एट बाय टू फोर सिक्स माइनस थ्री प्लस नाइन दैट इज सिक्स सिक्स बाय टू दैट इज थ्री नाउ द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी व्हाट इज द फॉर्मूला एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन इफ दिस इज एम वन हेंस द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस वन बाय एम वन दैट इज माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज हाफ अगेन वी नो द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग द स्लोप एंड ए पॉइंट व्हिच इज द फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट y minus y1 that is this line must passes through 4 3 tell y minus y1 that is 3 m into x minus x1 4 or cross multiply 2y minus 6 equals to x minus 4 or x minus 2y plus 2 is equal to 0 which is the answer for equation for question number 2 This is the answer of question number 2. Now we are going to solve the question number 3. The value of p if minus 2p lies on it. It means the Now, given that the point minus 2p lies on this line that is x minus 2y plus 2 equal to 0. Hence, this point must satisfy this equation. Hence, minus two into p plus two is equal to 0, or minus two p equal to 0, or p equal to 0. And this is the answer for 3. Here is a doubt that it means if the perpendicular bisector, that is the answer. If it means the line segment AB, so we can the another answer.